फोर्थ सम देखो बच्चे, देयर आर फोर फ्लावर्स इन ए बंच। बंच हुंदा गुच्छा। एक गुच्छे दे विच फोर फ्लावर्स ने, चार फुल ने। हाउ मैनी फ्लावर्स आर देयर इन नाइन बंचिस। हाउ मैनी मीन्स किन्ने, फ्लावर्स मीन्स फुल, आर मीन्स हन, देयर इन नाइन बंचिस। नौ गुच्छियां दे विच, नाइन बंचिस विच किन्ने फ्लावर ने। एक बंच विच, एक गुच्छे विच फोर फ्लावर्स ने, नाइन बंचिस विच किन्ने फ्लावर्स होणगे। बच्चे जो इदां दी कंडीशन आवे तो आप मल्टीपल करते हैं। एक चीज़ का आपां नूं दित्ता होया ते बाकी इन्नियां चीज़ां बारे ज़्यादा पता करन लई किया जांदा वा, तां आपां उहदे विच मल्टीपल करदे हुंदे आ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਸਮ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ। ਹਰ ਸਮ ਆਪਾਂ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਣਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਆਂਸਰ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਲਿਖਣੀ ਆ। ਓਕੇ, ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਫਲਾਵਰਸ, ਫਲਾਵਰਸ ਇਨ ਏ ਬੰਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚੋਂ ਫਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਗਈ, ਫਲਾਵਰਸ ਇਨ ਏ ਬੰਚ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਫੋਰ। एक बंच विच किन्ने फ्लावर्स ने, फोर। सैकेंड लाइन है फ्लावर्स आर देयर इन नाइन बंचिस। तुसी ए लाइन भी लिख सकते हो, ए भी थोड़े लिए ईजी आ, ए भी लिख सकते हो फ्लावर्स इन नाइन बंचिस। जिथे ए लिखा सी उहदी जगह नाइन आ गया, क्योंकि आपां नाइन बंचिस बारे पता कर रहे हैं, ठीक है। फोर नूं आपां नाइन दे नाल मल्टीपल कर देना, नाइन नाल मल्टीपल करके देखांगे आपां नाइन बंचिस विच किन्ने फ्लावर्स होणगे। एक बंच विच फोर ने तो नाइन विच किन्ने होणगे। फोर नूं आपां नाइन नाल मल्टीपल करके सम बना लिया। नाइन दा टेबल आपां फोर तक रीड करांगे। नाइन दा टेबल फोर तक रीड कीता तो 36 आएगा फ्लावर्स। यही लाइन बच्चे तुसीं दोबारा लिख लैणी है इत्थे, फ्लावर्स इन नाइन बंचिस इक्वल टू, जिन्ना आंसर आया 36। ओके,